रिवर्स। हाँ, ये सारे मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है सारे, है ना, जितने मेथड पढ़ रहे हैं हर एक मेथड इंपॉर्टेंट है ना। चलो अब देखो, आता है फिल्टर। अभी थोड़ा एडवांस चीज आ गई। अब आप यहां पे देखो, साथ साथ में एरे के साथ में फंक्शन भी काम कर रहा है, देख पा रहे हो? तो अब ये समझना होगा। तो हमने यहां पे एक एरे बनाया, देखो इसमें क्या लिखा, एज लिखी है, और इसको मैंने एरे को प्रिंट किया, तो जी प्रिंट होकर आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया यहां पे, देखो फिर यहां पे क्या हुआ, हमने बना रखा है एक फंक्शन, देखा है एक फंक्शन चेक एडर नाम का, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, ये चेक करेगा इस एज में क्या एज हेलो, बड़ा या इक्वल है 20 से। मुझे आप हाँ आवाज आ रही है मेरी, दरवाजा रो रो के आ रही है आपकी। एक मिनट, चलो हाँ सब लोग बना लो, एक बना लो फाइल फिल्टर नाम से, फिल्टर डॉट एस सी एम एल, उसमें ही नोट करो फिर समझाता हूँ। एक बना लो फाइल फिल्टर डॉट एस सी एम एल, फिल्टर डॉट एस टी एम एल, और नोट करो इसको। इसके बताओगे आउटपुट क्या आएगा? दोबारा समझा दो सर जी। हाँ पर नोट कर लो, नोट कर लो मैं समझाता हूँ। बोलो भाई, सर ये तो फिल्टर नहीं लगाओगे तो भी वर्क हो जाएगा, करेगा ना? क्या नहीं, फिल्टर लगाने पे तो फिल्टर काम नहीं करता है लगाएंगे? मेरा, नहीं फिल्टर करके चेक कर रहा नहीं हूँ ये ना चेक तो डॉट काम करेगा ना एडर मेरा। तो है ना, वैसे ही काम करेगा, आउटपुट तो करेगा ना। नहीं, आउटपुट तो करेगा, फिल्टर कैसे निकालोगे, फिल्टर ही तो चेक कर रहा है इसमें, नहीं अच्छा, यदि मैं इसका फिल्टर नाम फिल्टर का को मेथड से हटा तो दूंगा चेक ना कर तो पा रहे हैं। एजेस डॉट चेक डॉट एडल्ट से काम नहीं करेगा ये? देखो 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 देखो, ये ऐसे तो बोल रहे हो, हाँ देखो देखो कुछ आउटपुट आया, कुछ नहीं आउटपुट नहीं आया नहीं, आया ना, है ना। तो फिर अब मान के चलो, अगर मैं ये इसमें डाल भी देता हूँ, ऐसे ऐसे डाल भी देता हूँ, देखो तो ये कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, फिल्टर तो लगानी पड़ेगा ना, तभी तो फिल्टर होके आएगा डेटा इसमें से। देखो फिल्टर नहीं देखा, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हो, हमने कहा कि 100 से लेके 500 तक की चीज दिखाओ, तो फिल्टर लगा दिया, हमने कहा रेड कलर दिखाओ, तो अकेले रेड कलर लग के आ जाता फिल्टर में, वही फिल्टर है ये। सर, एक बार दोबारा चलो बता हो गया देना, नोट। मेरा अब नेगेटिव। देखो देखो सिंपल, देखो ये यहाँ देखो, ये तो ये लाइन क्लियर है दोनों, इतना ऊपर वाला। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एज डॉट फिल्टर नाम का एक फंक्शन मेथड कॉल किया, इसके अंदर हमने किसको कॉल किया, इस फंक्शन को, दिख रहा है ना फंक्शन कॉल हो रहा है चेक ऑर्डर नाम का। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए नाम का, तो यहाँ पे ए कर देता हूँ, लो ये फंक्शन कॉल हो रहा है, और साथ में क्या जा रहा होगा, जो एज में डेटा आउट किया रहा है वो इस ए में चला गया, फंक्शन सीखा है ना, है ना, ये कॉल हो रहा यस है, और सर, साथ में एज की वैल्यू आ रही है इसके अंदर। अब ये क्या चेक रिटर्न क्या करेगा, मुझे जो एज की जो वैल्यू है वो इक्वल बड़ी या इक्वल है 20 से, तो देखो कौन कौन सी बड़ी है, 20 40 50, तो ये रिटर्न कर देगा किसको, इस ए को, है ना, और जो ए में आ रहा होगा अपन ने बी में स्टोर कर दिया, उस बी को अपन ने प्रिंट करा दिया, ठीक है। ओके सर, ओके। आगे समझ में कैसे काम कर रहा है ये। अब देखो अब आता है एवरी, अब यस देखो सर, यहाँ पे सब लोग एवरी,
अब देखो ये एफ बी, अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। अब जी आप बताओ, बताएं आप लोग वाला आउटपुट एफ बी का मतलब क्या होगा, सारे बड़े होने चाहिए, 18 से सारे बड़े होने चाहिए। एबी मतलब सारे, देखो इसमें एक जीरो का, एक जीरो है ना, रन करता हूँ, देखो देखो फॉल्स हो गया, क्योंकि एबी क्या कह रहा है, एबी नाम का जो मेथड है ये क्या कह रहा है कि ये सारे 18 से बड़े होने चाहिए। देखो जो फंक्शन लगाया ना वही सेम प्रोसेस चल रही है, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 40 तो देखो आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ गया ट्रू, समझ आ रहा है। एवरी मेथड जैसे जैसे फिल्टर मेथड था ना वैसे ही एवरी मेथड होता है, ठीक है। बाकी तरीका वही है, सब कुछ नोट कर लो, एवरी डॉट एच टी एम एल, फिर लेट वी स्क्वल टू ए, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो अभी क्या आउटपुट आएगा अभी बताओ। 1 2 3 मंत्री आएगा, देखो आ रहा 1 2 3, ठीक है, क्योंकि जो ए में आ रहा था वो आपने बी में रख दिया। अब देखना ए डॉट पुश 4, अब बताओ क्या आउटपुट आएगा बी में। वन टू थ्री क्या आएगा आउटपुट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आउटपुट सही है गलत है, सब लोग ये आउटपुट सही है गलत है। सही है, पुश कर रहा है सही है इसमें। सर। पुश कर रहे हैं ना, तो मुझे इसे बताओ, अब इसी पे एक क्वेश्चन पुट अप करता हूँ। आपके अकाउंट में थे 500 रुपये, ठीक है, आपने मुझे भेज दिए 200 रुपये, ठीक है, फिर आपने मुझे भेज दिए 100 रुपये, फिर आपके अकाउंट में आ गए 200 रुपये, फिर आपने मुझे भेज दिए 50 रुपये, ठीक है, ऐसे कुछ आपने किए, तो आप पता कर सकते हैं इसमें कि आपका आपके बैलेंस कितना बचा है, पता कर सकते हो कि जब आपने 200 रुपये भेजे थे उसके बाद आपका बैलेंस कितना था, कुछ यहाँ पे सो रहा है, और जब आपने 100 भेजे थे तो आपका बैलेंस कितना बचा, फिर जब आपके पास 200 आए तो आपका बैलेंस कितना बचा, कुछ यहाँ पे दिख रहा है, बताओ। नहीं कभी मिनी स्टेटमेंट नहीं आप लोगों ने चेक की, कभी मिनी स्टेटमेंट चेक किया आप लोगों ने, चेक करते हो मिनी स्टेटमेंट कभी, बताओ। यस कभी सर। मिनी स्टेटमेंट चेक करना तो कुछ इस तरीके से होता है कि आपने 200 रुपये किसी को दे दिए तो आपके पास बचे 300 रुपये, ठीक है, तो 500 में से 200 300 बचे, फिर आपने 100 रुपये किसी को दे दिए, फिर आपके कितने बचे 200 रुपये, ऐसे चलता है ना, फिर आपके पास 200 रुपये आ गए तो आपके पास कितने हो गए 400 रुपये, ऐसे कुछ होता है। तो आप एक चीज गौर करो, जब आपके रुपए कटते हैं तो कभी भी कभी क्या होता है कि आपने किसी रुपए भेजे और फेल्ड हो गए, हो जाते फेल्ड, तो आप तुरंत जाके बैलेंस चेक करते हो और उसमें बैलेंस में आपके पूरे रुपए दिखाई देते हैं, या कभी कभी आपने पेमेंट भेजा फेल्ड हो गया रुपए कट गए तो कुछ टाइम बाद आपके पास रुपए वापस आ जाते हैं, तो अब उनको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका प्रीवियस बैलेंस इतना था इतने कट गए थे रुपए। बोलो, मान के चलो आपने 500 रुपये आपके पास थे, ठीक है, आपको किसी ने 100 रुपये भेजे तो अब ये कितने हो गए 600 हो गए, है ना, और फिर मान के चलो आपने किसी को 200 भेज दिए तो वो 600 में से तो 200 माइनस करेगा, करेंगे करेगा, और जिसको आपने 200 भेजे हैं मान के चलो वो रुपए गए नहीं उसके पास, मान के चलो गए नहीं रुपए उसके पास,
और आपके अकाउंट से कट गए तो वापस कैसे आएंगे, या नहीं कट पाए तो आपने बैलेंस चेक किया आपके ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तो ये काम कैसे होता होगा जानते हो? समझो, जब बैंक आपके की तरफ से हो अकाउंट जाता है ना सर? से, हाँ नहीं तो उनको उनको कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो सिस्टम है ना सब कुछ, अब बैंक थ्रू आपका बैलेंस चेक देख रहा है जाके, वो तो सिस्टम ऑटोमेट सब चल रहा है ना। तो जब आपके अकाउंट से, सुनो, जब आपके अकाउंट से, जैसे आपका बैलेंस 500 है, तो जब आपके अकाउंट से 100 रुपये कटेंगे, आप 100 रुपये किसी को भेजोगे तो वहां पर अपडेट वाला काम होगा, अपडेट होगा ना, 500 में से 100 काटे जाएंगे। तो वो क्या करता है, जब 500 में से उसको 100 काटने होते हैं तो पहले वो 500 को कॉपी कर लेता है, यहाँ पे क्या कर लेता है, क्लोन कॉपी करके रख लेता है, और फिर उसमें से 100 काट देता है, और फिर आपको दिखा देता है 400 बैलेंस, जिसने क्या कर लिया, जो बैलेंस था प्रीवियस उसको कॉपी कर लिया, और फिर उसके बाद उसने अपडेट किया है कि कल को आपका बैलेंस गड़बड़ हो जाए तो जो कॉपी कर रखा है ना उसका प्रीवियस बैलेंस वो दिखा सके फिर से। आ रही बात समझ में, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से काम चलता है। अब मान के नहीं चलो हुआ आपने सर। 400 में से किसी को 200 दिए, अरे नहीं हुआ, देखो सिंपल है, आपके जे 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 आपका बैलेंस था, ठीक है, अब आपके बैलेंस में से 100 रुपये कट गए, ठीक है, और सामने वाले के पास नहीं पहुंचे, फेल्ड हो गए और आपके अकाउंट से कट गए, तो अब बैंक को कैसे मालूम पड़ेगा कि आपके पास 500 रुपये थे उसमें 100 कट गए, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा? वो आपका बैलेंस खोल के चेक तो करते नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिक सारा काम करता है, समझ गए नहीं समझ गए? सिस्टम तो ऑटोमेटिक यस काम सर। करे, उन्हें कैसे मालूम कि भैया आपके पास 500 रुपये थे आपके 100 कट गए? तो जब आपके ये 100 रुपये कटेंगे ना 500 में से, तो पहले वो क्या करता है, कॉपी कर लेता है, ये 500 रुपये है ना वो कॉपी करके रख लेता है पहले से ही, है ना, कि फिर उसमें से काट देता है आपके 100 रुपये, फिर आपको दिखाता है 400 बैलेंस, ठीक है, 400 में आपको दिखाने लगता है। बाय चांस अगर आपका बैलेंस फेल्ड हो गया तो उसको मालूम रहता है ना कि भाई पहले जब 500 रुपये मैंने कॉपी किए थे, जब 500 रुपये थे पहले से, तो वो आपको वापस कर देता है उसी में, मतलब अपडेट करने से पहले वो क्या करता है, उसका क्लोन ले लेता है, क्लोन समझते हो, कॉपी कर देता है वो। जैसे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर देखी जाए तो आपने पहले ए में क्या स्टोर किया था, 1 2 3 4 ही तो स्टोर किया था ए में, बोलो हाँ ना बोलो, फिर बाद में यस आपने ए सर। के अंदर वैल्यू अपडेट करी है, आपने आपने फिर बाद में ए में डाला अपडेट, अपडेट किया ना बाद में, किया ना पुश, पहले तो ए की वैल्यू 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 है ना, आप उसको यस सर। बाद में पुश कर रहे हो, तो पहले तो उसकी 1 2 3 होगी ना वैल्यू, पहले तो ए में जो था उसकी वैल्यू थी 1 2 3, अब वो आपने बी में स्टोर कर दी, तो जब मैंने बी को प्रिंट किया था तो 1 2 3 आ रहा था, है ना, फिर आप यहाँ पे इसको अपडेट कर रहे हो, पुश आप बाद में कर रहे हो, पहले बी में क्या स्टोर हो गया है 1 2 3, उसके बाद आप अपडेट कर रहे हो, तो पहले क्या आना चाहिए बी में, बी में पहले क्या स्टोर होना चाहिए 1 2 3, और फिर जब आप बाद में अपडेट करोगे तो ए में आपको क्या दिखेगा 1 2 3 4। अब ये काम कैसे होगा, तो इसके लिए अपन यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का, स्प्रेड ऑपरेटर ऐसे 3 डॉट, ये क्या करता है स्प्रेड ऑपरेटर जानते हो, अपडेट करने से पहले प्रीवियस डेटा का क्लोन ले लेता है, जैसे मान को चलिए पुश होना है, जो पुश किस में होना डेटा, इस ए के अंदर, तो वो अपडेट करने से पहले ये क्या करेगा, ये स्प्रेड ऑपरेटर होता है जी, क्लोन मतलब कॉपी कर लेगा प्रीवियस डेटा को, इसको अभी में डाल देगा, अभी देखना मैं रन करूंगा ना, देखो मैं थोड़ा यहाँ पे लगा देता हूँ बी आर, देखो देखो बी में 1 2 3 दिखा रहा है और ए में दिखा रहा है 1 2 3 4, दिख रहा है, तो ये कैसे आया, अब आप कहोगे यार हमने तो ए में 4 डाल दिया था, तो 4 आपने अपडेट बाद में किया, तो इस ए ने क्या किया, अपडेट करने से पहले पहले 1 2 3 को क्लोन कर लिया, क्लोन समझते हो, कॉपी कर लिया, सर। कॉपी करके बी में डाल दिया, फिर उसके बाद उसने अपडेट किया, अगर बाय चांस अपडेट होने में कुछ पंगा हो जाएगा
मान के चलो अपडेट करने में कुछ दिक्कत आ गई, तो उसने कॉपी कर रखा है ना पहले से, तो वो तुम्हें दिखा देगा। समझ में आया? इसी को बोलते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, यही चलता है यस सर। बैंक में हमारा सिस्टम में। अब इसको नोट कर लो, एक बनाओ फाइल स्प्रेड ऑपरेटर, इस याद है ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना भी कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, याद आई बात? देखो यहां पे ये ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है। देखो जब मैंने आपको पढ़ाया था ना डेटा टाइप, तो उसमें सिखाया था आप लोगों ने, देखो यहाँ पे ए नाम का एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एफ नेम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है ना, एल नेम इसकी प्रॉपर्टी। जब दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी होती तो कॉमा लगाते हैं, याद है? जावास्क्रिप्ट में स्टार्टिंग पढ़ाया था मैं डेटा टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट, और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर अपन एरे स्टोर कर सकते हैं। देखो इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट और स्टोर कर लिया, और इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने देखो फंक्शन स्टोर कर रखे हैं। देखो देख रहे फंक्शन, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ ना, तो बोल दो। यस सर स्टार्टिंग में बताया था मैंने आप लोगों को, जो हमारा पूरा MongoDB है ना, अभी आप जो पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट MongoDB पूरा इसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है। जो हमारा पूरा डेटाबेस है ना MongoDB, वो पूरा इसी ऑब्जेक्ट पे बनेगा आगे चल के, ठीक है? तो आप ये देखो कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कितनी सारी प्रॉपर्टी कर रखी हैं, एरे स्टोर कर लिया, ऑब्जेक्ट स्टोर कर लिया, और कुछ फंक्शन स्टोर कर रखे हैं। अब एक चीज यहाँ पे देखो, ये फंक्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे ये फंक्शन, तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं फुल नेम, देखो ये फंक्शन, अपन सबको याद होगा कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, जानते हो ना? अगर मैं यहाँ पे ए नाम का ऑब्जेक्ट कॉल करूं तो मुझे क्या देगा ब्राउजर पे, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, याद है? हम ऑब्जेक्ट को ब्राउजर पे डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, है ना? कंसोल में चेक कर सकते हैं, हम कंसोल में चेक कर सकते हैं। देखो पूरा ऑब्जेक्ट, देखो देखो, तो दिख रहा है पूरा ऑब्जेक्ट, देखो एज ईमेल फंक्शन, इस चीज को अपनी आंखों में कैद कर लो सारे लोग। देखो ये पूरा क्या आ रहा है ऑब्जेक्ट, फुल नेम लिविंग सैली, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट उठ के आ रहा है, मगर ब्राउजर पे आप डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। ब्राउजर पे कैसे प्रिंट करोगे, ऐसे लिख के, अगर नेम प्रिंट करना है तो ऐसे ए डॉट एफ नेम, इस तरीके से देखो एफ नेम आ गया है ना। अब मुझे जो वाला फंक्शन कॉल करना है फुल नेम नाम का फंक्शन, देखो तो ये मुझे क्या देगा रिटर्न में, चलो मैं हटा देता हूं, राज प्रिंट करके देगा, देखो राज आ रहा है प्रिंट होके, इतने में कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत फंक्शन में? साय लोग नो सर नहीं ना। अब मुझे, अब मैं क्या चाहता हूं वो सुनो, मैं ये एफ नेम को प्रिंट करना चाहता हूं, इस एफ नेम को प्रिंट करना चाहता हूं इस फंक्शन के अंदर, ठीक है? अब मैं चाहता हूं कि जब मैं रिटर्न करूं तो ये एफ नेम प्रिंट हो जाए विकास, देखते हैं होता कि नहीं होता। देखो एरर आ गई, क्या कह रहा है, एफ नेम इज नॉट अ डिफाइन, एरर दे गया। अब जी इसने एरर क्यों दिया जानते हो? क्योंकि ये जो एफ नेम है ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है ना, ये एफ नेम किसकी प्रॉपर्टी है, इस ए ऑब्जेक्ट की, और इसकी प्रॉपर्टी को आप एक फंक्शन के अंदर प्रिंट करना चाहते हो, तो कैसे कर लोगे भाई? ऑब्जेक्ट कह रहा है ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी प्रॉपर्टी को आप फंक्शन के अंदर कैसे प्रिंट कर लोगे, तो लोकल हो गया ना, लोकल ग्लोबल। तो अगर प्रिंट करना है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड का, किसका यूज करना पड़ेगा, दिस कीवर्ड का, इसकी मदद से आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो। देखो देखो प्रिंट हो गया विकास, अब किसका यूज किया हमने यहां पे, दिस कीवर्ड का। अब एक चीज देखो, अब अगर मैं ये एफ नेम चालू कर लूं
तो बताओ विकास प्रिंट होगा कि राज प्रिंट होगा, बताएं। राज विकास प्रिंट होगा क्या? सोच लो, जिस लगा हुआ है यहाँ पे। विकास प्रिंट होगा कि राज, सोचो। अब दिस लग गया तो वो इस एफ नेम को थोड़ी देखेगा, फिर तो वो इस भार वाले को देखेगा ना। क्यों? देखो विकास आ रहा है क्योंकि तो यहां पे क्या लगा दिया अपने, दिस। अब दिस को इस एफ नेम से कोई मतलब नहीं है, उसको तो भार वाले एफ नेम से मतलब है। अगर जब मैं यहां से दिस हटा दूंगा तब अपन अंदर का प्रिंट कर पाएंगे। आज समझ आ गया? बात समझ आ गई? यस सर। सर है ना? अब देखो, अब मैं चाहता हूं यार ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना ब्राउजर प्रिंट कर सकूं, तो हमें क्या करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो ब्राउजर प्रिंट करने के लिए ब्राउजर पे अकेला स्ट्रिंग चीजें प्रिंट होती हैं, अब ऑब्जेक्ट ब्राउजर प्रिंट नहीं होता। तो ये पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट देखो, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है जेसन स्ट्रिंगिफाई। इसका जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ठीक है? इसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। याद रखना किसका यूज करते हैं, जेसन स्ट्रिंगिफाई का। देखो देखो हो गया कन्वर्ट, देखो पूरा आ गया स्ट्रिंग में। देखो देखो एफ नेम पे लग क्या है, डबल कोट के साइन, देखो डबल कोट, सब पे डबल कोट लग के आ गया। देखो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पूरा स्ट्रिंग में। कोई आपसे पूछेगा अगर ऑब्जेक्ट को हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो क्या यूज करते हैं, तो आप बोलना जेसन स्ट्रिंगिफाई। और ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ब्राउजर पे प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है? और ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप किसी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, उसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा आपको, दिस कीवर्ड का, ठीक है? और ऑब्जेक्ट के अंदर हम कितना भी कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। आप देख लो, प्रॉपर्टी स्टोर कर ली हमने, एरे को स्टोर कर लिया है ना, एक ऑब्जेक्ट और स्टोर कर लिया, दो फंक्शन हमने स्टोर कर लिए। आप देख पा रहे हो ना, ये सारा कुछ हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर रखा है। आगे चल के हम जो मोंगोडीबी पढ़ेंगे ना जावास्क्रिप्ट के बाद, वो पूरा हमारा इस ऑब्जेक्ट पे ही डिपेंड है। ये जावास्क्रिप्ट तो एक बेसिक चीज है जिससे आपके थोड़े कोर कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हमारा मेन चालू होगा मोंगोडीबी डेटाबेस से, ठीक है ना? जावास्क्रिप्ट तो इसलिए पढ़ना होता है कि आप लोगों को जावास्क्रिप्ट कंसेप्ट क्लियर हो, स्टेटमेंट, डू, फंक्शन, एरे, ये आप सबको पता होना चाहिए। डोम क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप लोगों को मोंगो डीबी, नोड, रिएक्ट, एक्सप्रेस समझ में नहीं आया कुछ भी, ठीक है? ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो आप सी में पढ़ते हो। आपने सी में पढ़ा होगा स्टेटमेंट, डू, फंक्शन, एरे, है ना? वही अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए पढ़ाना पड़ता है जावास्क्रिप्ट इतना आप लोगों को। चलो अब इतना ये कोड मैं आपको चैट में दे रहा हूँ, क्योंकि पूरा नोट नहीं कर पाओगे सही तरीके से। आप लोग चैट से ले लेना, ठीक है? ऑब्जेक्ट को नाम से एक बनाओ फाइल, स्ट्रिंग मेथड डॉट एस टी एम एल, स्ट्रिंग मेथड डॉट एस टी एम एल। स्ट्रिंग के मेथड कौन कौन से होते हैं वो समझो, स्ट्रिंग मेथड डॉट एस टी एम एल। अब देखो यहां पे सब लोग, ये यहां पे मैंने रखी है एक स्ट्रिंग, ठीक है? अब देखो मुझे अगर लेंथ निकालनी हो तो किसका यूज करूंगा, स्ट्रिंग डॉट लेंथ का यूज करूंगा, तो इससे क्या निकल जाएगी इसकी लेंथ। देखो देखो लेंथ आगे निकल के 38, और अगर मुझे लोअर केस में करना हो तो टू लोअर केस, है ना? और अगर मुझे अपर केस में करना हो तो अपर केस। देखो दिखाता हूँ चला के, ये स्ट्रिंग के मेथड है। देखो अपर केस में हो गया स्ट्रिंग पूरी, ठीक है? ऐसे ही इंक्लूड करना हो,
इंक्लूड, जानते क्या करेगा, ग्वालियर जाकर ढूंढेगा इसमें है कि नहीं है, और स्टार्ट स्टार्ट्स विद क्या करता है, पी ढूंढेगा, स्टार्ट जाकर पी है कि नहीं ये। अब देखो ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है, तो फॉल्स हो जाएगा। ऐसी होता है ये एंड विद, ये आर कहाँ ढूंढेगा जाके, सबसे लास्ट में, ये कैपिटल में, ये स्मॉल में, फॉल्स हो जाएगा। ऐसी होता है सर्च, एस वाई एस ढूंढेगा इसके अंदर है कि नहीं, मिल जाएगा ट्रू आ जाएगा। ऐसी होता है मैच, मैच ऐसी होता है इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ ढूंढेगा जाके ग्वालियर है कि नहीं, कहाँ पर है। ऐसी होता है लास्ट इंडेक्स ऑफ, पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। ऐसी होता है रिप्लेस, रिप्लेस ठीक है, रिप्लेस करना, समझ आ गए। सिंपल से हैं ये, खुद से कर सकते हो आप लोग आसानी से सारे लोग, ये स्ट्रिंग के मेथड है सिंपल से, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। मैं एक बार चैट में दे रहा हूँ। यस सर, ये बेसिक 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 चीजें हैं। अगली क्लास कोई मिस मत करना, क्योंकि अगली क्लास में सिखाऊंगा डोम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोम वाली क्लास मिस मत करना, अगली वाली क्लास कोई भी, ठीक है।